हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको राजस्थान लेकर सुनते हैं। राजस्थान में जोरदार बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के बारा में कल आंधी के साथ तेज बारिश हुई। इस बारिश के बाद कई जगह पर सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहने लगा और इस पानी में गाड़ियां भी फंसी दिखाई दी। तेज आंधी के साथ हुई बारिश में कई कच्चे घर टूट गए, बिजली की तारें टूट गई, कई जगह पेड़ उखड़ गए, पेड़ की टहनियां टूटकर सड़क पर आ गिरी। इससे कई जगह पर ट्रैफिक जाम लग गया। राजस्थान के बारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंधी कुछ ऐसी चली कि जिसमें पेड़ की टहनियां टूटकर बिखरने लगी और जहां तहां गाड़ियां फंस गई और बारिश के बाद सड़कों पर बाइक उस बारिश के पानी में बहती हुई नजर आई। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तेज गति से हवा चल रही है और साथ में बारिश भी, और किस तरह से आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी हो गई सड़क पर कि मोटरसाइकिल तक पानी में बहने लगी। इतनी तेज गति से पानी सड़क पर आ गया और मॉनसून जो है देश के अलग अलग हिस्सों में डरा रहा है। बात करें मुंबई की, वहां पर भी आज हाई अलर्ट है, टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की अगर बात करें, वहां लगातार वज्रपात हम देख रहे हैं। राजस्थान के बारा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुंबई, असम, सिलीगुड़ी, रायपुर, शिमला, देहरादून, तमाम जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्वालपारा, असम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जहां बारिश हो रही है। ज्यादातर जगह पानी भर गया है, लोग परेशान हो गए हैं, उनके समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे निजात पाए। लेकिन अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है और लगातार बारिश जारी है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। और मुंबई में जहां एक तरफ कई जगहों पर पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, अंडरपासेस में पानी भर गया, वहीं लो लाइन इलाके जो है उनके लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है क्योंकि आज हाई टाइड की भी चेतावनी है। अगले 48 घंटे तक मुंबईकरों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बिहार में लगातार वज्रपात की तस्वीरें हम देख रहे हैं और उसमें अब तक कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। रायपुर, शिमला, देहरादून, सिलीगुड़ी, ग्वालपारा, इन तमाम जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से सभी जगहों पर लोग परेशान हैं, जहां तहां पानी भर गया है, जलजमाव हो रहा है और उसके बाद लोग दिक्कतों में आ रहे हैं। लेकिन बारिश अभी बंद नहीं हो रही है और मानसून जो है अब लोगों को डराना शुरू कर चुका है। कई राज्यों में मानसून मुसीबत बन गया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून की वजह से लोग परेशान हैं। पहले मानसून का इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन अब उसके बाद जब मानसून आया तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जहां तहां बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। शहरों में अलग अलग जगहों पर पानी भर गया है, लोग परेशान हैं, आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। और राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बारा की, जहां पर इतनी तेज पानी और आंधी बारिश हो रही थी कि लोग परेशान हो गए, सड़कों पर बाइक तक बहने लगी। जो गाड़ियां, बाइक, भारी गाड़ियां होती हैं, वो भी पानी का वेग इतना ज्यादा हो गया कि उसमें बहना शुरू हो गई। और मुंबई में आज सुबह हाई टाइड का अलर्ट है। 11:38 का वक्त मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है, हाई टाइड का अलर्ट है और उसको लेकर पहले से एहतियातन तमाम तैयारियां की गई हैं, खास करके लो लाइन के इलाके में, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और उसके बावजूद लगातार बारिश की चेतावनी भी है 48 घंटों तक। और मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, सुबह से ही हो रही है, कुछ जगहों पर कल से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, असम में देखिए ग्वालपारा, सिलीगुड़ी और छत्तीसगढ़ में रायपुर, इधर शिमला में देखिए, देहरादून में देखिए, सभी जगहों पर बारिश लगातार हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं अब मानसून की वजह से, क्योंकि लगातार हो रही बारिश कई सारी दिक्कतें भी अपने साथ लेकर आती है और लोग अब उसी की वजह से परेशान हैं। तो तस्वीरें तमाम जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून का पहले इंतजार हो रहा था और अब मानसून लोगों के लिए आफत बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां जहां पर बारिश हो रही है वहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोग अब उसके परेशान हो गए हैं और लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला हो गया है मानसून।